एक क्लोज कंटेनर पे किस पे डिपेंड करेगा? तो इट विल डिपेंड अपॉन, कह रहे अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर या नन ऑफ द अबव, वेपर प्रेशर. देखो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है जो हम बोलते हैं पी नॉट, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ पी नॉट है, यहाँ पे कोई और चीज है ही नहीं, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट पे तो डिपेंड करता ही है, पर तब जब वो सॉल्यूशन हो, रॉल्ट्स लॉ तब लगता है ना जब वो सॉल्यूशन हो. तो यस, पी इज इक्वल टू, वी नो पी इज इक्वल टू पी नॉट इनटू क्या, ये तब अप्लाई होता है व्हेन देयर इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या एक सॉल्यूशन में. सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट. जो प्योर कॉम्पोनेंट का है वो तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस केस में मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन, तो मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन, तो इसका पी नॉट, अगर पी इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट, इट डज नॉट वेरी. तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि मोल फ्रैक्शन तो हमेशा ही वन है. दूसरा, सरफेस एरिया पे यस, हम ये मान सकते हैं कि सरफेस एरिया पे वेपराइजेशन डिपेंड करता है, पर जब सरफेस एरिया बढ़ा भी दो तो भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, अगर क्लोज कंटेनर होता है तो एक इक्विलिब्रियम में इट विल नॉट डिपेंड कि सरफेस एरिया कितना है. सरफेस एरिया चाहे तुम बढ़ा भी दो, देन ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद उसका प्रेशर जो होगा केपी के से रिलेट होगा, और केपी कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ नहीं आया तो इट्स ओके. थोड़ा इलेवेंथ का इसके अंदर बेसिक्स है कि जो भी सैचुरेशन आता है वेपर्स का, तो उस केस में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन सर्फेस एरिया. सर्फेस एरिया पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है. तो टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. अमाउंट पे इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि मोल फ्रैक्शन वन है. ठीक है, इज दिस क्लियर और रिपीट?